हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार ट्यूटोरियल्स। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड क्या होते हैं, जिनका पीएच 7 से कम होता है उन्हें क्या बोलते हैं एसिड, और जिनका पीएच 7 से ज्यादा होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम बेस, और जिनका पीएच एग्जैक्ट 7 के बराबर होता है उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रल कंपाउंड्स। तो एसिड क्या होते हैं, जिनका पीएच 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, यानी इनका पीएच 0 1 2 3 4 5 6 6.8 6.9 तक भी हो सकता है। तो जिनका पीएच 0 से लेकर 2 के बीच में होता है वो कहलाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिनका पीएच 5 से लेकर 6 6.8 6.9 तक होता है वो हमारे कहलाते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का हमारे पास एग्जांपल है HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, दूसरा एग्जांपल है H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। वीक एसिड के हमारे पास एग्जांपल है एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। इनके नाम के साथ साथ आपको इनका केमिकल फॉर्मूला भी याद रखना है, एग्जाम में कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। बात करते हैं बेस की, तो बेस के लिए जैसा कि आपको बताया बेस वो होते हैं जिनका पीएच 7 से ज्यादा होता है 7 से ज्यादा होता है, यानी इनका पीएच 8 9 10 11 12 13 14 तक हो सकता है। तो जिनका पीएच 8 से लेकर 10 के बीच में होता है उन्हें हम बोलते हैं वीक बेस, इसका एग्जांपल हो जाता है NH4OH। जिनका पीएच 12 से लेकर 14 के बीच में होता है वो हमारे कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का हमारे पास एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनके नाम के साथ साथ आप इनके केमिकल फॉर्मूले जरूर याद करेंगे, एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है। अगर एमसीक्यू में नहीं पूछेगा तो आपको कुछ रिएक्शंस दे दी जाएंगी, उसमें नाम ही दिए होते हैं तो आपको उनका केमिकल फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगला, इसके बाद हमारा जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड बेस आर बिटर इन टेस्ट। जो एसिड का टेस्ट होता है कैसा होता है, खट्टा होता है, और बेस का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। एसिड गिव्स एच प्लस आयन इन वाटर, जब हम एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो हमें एच प्लस आयन देते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एसिड है, ठीक है, ये हमारा कोई एसिड है, जब हम इसे वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये हमें क्या देता है, एच प्लस आयन देता है। असल में ये एच प्लस आयन नहीं देता, क्या होता है आप समझना, यहाँ पर जो एस सी एल है ये टूटेगा एच प्लस और सी एल माइनस में, तो नो डाउट हमें एच प्लस तो मिल ही रहा है, लेकिन ये एच प्लस फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए अब ये एच प्लस क्या करता है, इस वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है और बना लेता है एच थ्री ओ प्लस, क्योंकि दो हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन और जाकर यहाँ पर ऐड हो गया तो बन गया एच थ्री, और ओ हमारा पहले से था, और क्योंकि प्लस था तो यहाँ पर आ गया एच थ्री ओ प्लस, और साथ में क्या बन गया सीएल माइनस। तो जिसे हम एच प्लस बोलते हैं असल में एच प्लस नहीं, यहाँ पर क्या होता है एच थ्री ओ प्लस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, और ये हाइड्रोनियम आयन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक नेचर के लिए, यानी जो एसिड का एसिडिक नेचर है वो किसकी वजह से है, इस हाइड्रोनियम आयन के लिए, और ये सारे एसिड्स में कॉमन होता है। आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक भी दिया है, तो आपको याद रखना है कि ये हाइड्रोनियम आयन ऑल एसिड्स रिलीज एच प्लस और एच थ्री ओ प्लस आयन इन वाटर, ठीक। इसके बाद अगला क्या है, बेस की बात करते हैं। जब भी हम किसी बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो OH- आयन रिलीज करते हैं, OH- आयन को बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल आयन, और ये हाइड्रोक्सिल आयन ही रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिक नेचर ऑफ बेस के लिए। जो हमारे किसी बेस का बेसिक नेचर होता है किसकी वजह से होता है, इस हाइड्रोक्सिल आयन के लिए होता है, और ये हर एक बेस के लिए कॉमन होता है, यानी कोई भी बेस हो जब भी हम उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो OH- आयन रिलीज करेगा ही करेगा। इसके बाद हमें एसिड और बेस के कुछ एग्जांपल्स देखने हैं। सबसे पहला है लेमन और ऑरेंज। लेमन और ऑरेंज के अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड, टोमेटो के अंदर पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड, कर्ड में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक। अगर हम बात करें बेस की, हमारे घरों में जो साबुन इस्तेमाल होता है, वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल होता है, टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है, ये सब कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, यानी इन सब में क्या होता है, बेस होता है। हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। सबसे पहला पॉइंट है आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 8, यानी हमारी बॉडी जो एक नॉर्मल फंक्शन शो करती है वो किस पीएच पर करती है, 7 से लेकर 7.8 तक। अगर हमारी बॉडी का पीएच इससे चेंज हो जाता है तो हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी, यानी हम बीमार पड़ सकते हैं। अगला पॉइंट है पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज एसिडिक। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 6 में बायोलॉजी के कि हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो स्टमक है उसमें एसिड रिलीज होता है, क्यों, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड रिलीज होता है, और ये एसिड एसिड है तो नो डाउट वो एसिडिक होगा नेचर में, और जब कभी ये एसिड ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है तो ये कॉज करता है एसिडिटी। अब इस एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटासिड, या एंटासिड कुछ नहीं होते हैं बेसिकली टैबलेट्स होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि ये बेसिक होते हैं तो ये बेस क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारी एसिडिटी ठीक हो जाती है। अगला पॉइंट है पीएच चेंज कैन कॉज टूथ डिके, यानी पीएच चेंज की वजह से हमारे दांत खराब हो सकते हैं, कैसे भाई,
जब हम खाना खाते हैं और अगर हम टाइम पे ब्रश ना करें तो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं और इन बचे हुए फूड पार्टिकल्स में ग्रोथ होती है किसकी, बैक्टीरिया की। अब इस बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से बैक्टीरिया क्या करेंगे, रिलीज करेंगे एसिड, और ये एसिड क्या करेगा, हमारे दांत के ऊपर जो कवरिंग होती है आउटर कवरिंग जिसे हम बोलते हैं इनेमल, ये एसिड उस इनेमल को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसका ब्रेकडाउन कर देगा, जिसकी वजह से हमारे दांत खराब हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर ग्रोथ। अब भाई प्लांट्स को भी अच्छी ग्रोथ के लिए एक अच्छी मिट्टी चाहिए, और एक अच्छी मिट्टी के अंदर क्या है, एक स्पेसिफिक पीएच होना चाहिए जिस पीएच पर वो प्लांट अच्छी ग्रोथ शो करेगा। अगर वो पीएच चेंज होता है तो उस प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अगला पॉइंट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। बचपन में हम सभी कभी ना कभी चींटी ने तो काटा ही होगा, जब चींटी काटती है तो देखो हमारे हाथों में वो हल्का सूजन सी आ जाती है, वहाँ पे दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि चींटी क्या करती है, हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है मेथानोइक एसिड, इस एसिड की वजह से हमें वो सारी दिक्कतें होती हैं। तो कहीं ना कहीं एनिमल्स क्या कर रहे हैं, एसिड को भी इसको अपने लिए डिफेंस मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो ये कुछ जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पीएच से रिलेटेड, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है पीएच की हमारे लाइफ में, बट आपके टेंथ के लेवल पर सिर्फ इतने ही पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके बाद अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं भाई, जैसे आप बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो आप वहां पे इंडिकेटर देते हो राइट या लेफ्ट जाने का, जिससे हमें पता चल पाता है कि आप राइट टर्न लेने वाले हो या लेफ्ट मुड़ने वाले हो। यहाँ पर इंडिकेटर्स का क्या रोल होता है, यहाँ पर जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि अगर मान लो हमने कोई लिक्विड लिया है, कोई सैंपल लिया है, ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि वो सैंपल एसिडिक है या बेसिक। तो कोई चीज एसिड है या बेस है इसके बारे में हमें कौन बताता है, इंडिकेटर। इंडिकेटर जनरली हमारे तीन टाइप के होते हैं, पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं डायरेक्टली। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जिन्हें हम लैब में बनाते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जिन्हें हम स्मेल करके ये बता पाते हैं कि कोई चीज़ हमारा एसिडिक है या बेसिक। सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहला आता है लिटमस। जब हम लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डालते हैं तो ब्लू कलर से चेंज हो जाता है रेड कलर में। वहीं जब हम लिटमस पेपर को बेस के अंदर डालते हैं तो रेड कलर से चेंज हो जाता है ब्लू कलर में। अगला है हमारा टर्मरिक। जब हम टर्मरिक को एसिड के अंदर डालते हैं तो वहाँ हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। वहीं जब हम बेस में डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, उसका कलर रेड कलर हो जाता है। यानी अगर हमने एक सैंपल लिया, उसमें टर्मरिक डाला, अगर उसमें कोई कलर चेंज नहीं आया, डैट मीन्स वो हमारा एसिड है, और अगर उसका कलर रेड होगा, डैट मीन्स वो क्या है, बेस है। अगला है हमारा नेचुरल इंडिकेटर रेड कैबेज। जब हम रेड कैबेज को एसिड के अंदर डालते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है, वहीं जब बेस के अंदर डालते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। अब हमें पढ़ना है सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमें दो पढ़ने हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड के अंदर डालते हैं तो वो ऑरेंज कलर का हो जाता है, वहीं जब बेस के अंदर डालते हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है। यानी अगर हमने फिर से एक सैंपल लिया, उसमें डाला मिथाइल ऑरेंज, अगर उसका कलर हो गया ऑरेंज, डैट मीन्स वो एसिड है, अगर उसका कलर हो गया येलो, डैट मीन्स वो क्या है, बेस है। अगला है फिनोप्थिलीन। जब हम फिनोप्थिलीन को एसिड के अंदर डालते हैं तो वो कलरलेस रहता है, वहीं जब बेस के अंदर डालते हैं तो कैसा हो जाता है, पिंक कलर का। अब अगला पढ़ना है हमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जिन्हें हम स्मेल करके ये बता पाए हैं कि कुछ चीज हमारी एसिडिक है या बेसिक। सबसे पहला है हमारा वेनिला एसेंस। जब हम वेनिला एसेंस को एसिड के अंदर डालते हैं तो जो इसकी स्मेल होती है, जो इसकी नेचुरल स्मेल होती है, वो आती रहती है, जबकि जब हम इसे बेस के अंदर डालते हैं तो इसकी स्मेल गायब हो जाती है। तो अगर इसकी स्मेल, हमने एक सैंपल लिया, उसमें वेनिला एसेंस डाला, अगर वहां से वेनिला की स्मेल कंटिन्यूसली आ रही है, डेट मीन्स वो एसिड है, अगर नहीं आ रही, डेट मीन्स वो हमारे जो सैंपल लिया था वो क्या था, बेस था। अगला है क्लोव ऑयल। सेम क्लोव ऑयल के साथ भी होता है, अगर हम इसे एसिड के अंदर डालते हैं और स्मेल अगर कंटिन्यूसली आ रही है, डेट मीन्स वो एसिड है, और स्मेल आना बंद हो जाए, इसका मतलब वो क्या था, हमारा बेस था। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में। अब हमें पढ़ना है सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होता है, जब हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ तो हमारा बनता है सॉल्ट, और साथ में रिलीज होता है वाटर। जब हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसा कि हमने एंटासिड्स के बारे में पढ़ा था। अब अगर हम एसिड लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और उसे रिएक्ट कराते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो जो हमारा जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। वहीं अगर हम बात करें, हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लें, उसकी रिएक्शन कराएं एक वीक बेस के साथ, तो हमारा जो सॉल्ट होगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। और अगर हम एक वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाते हैं तो जो हमारा सॉल्ट बनता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। आपकी बुक में क्लास टेंथ के लेवल पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स दिए गए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, उनका नाम क्या है, उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इनकी प्रिपरेशन क्या होती है, और इनके यूजेस क्या होते हैं, बस इतना हमें पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में। सबसे पहला क्या है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, जिसे हम सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं।
अगला है हमारा ब्लीचिंग पाउडर COCl2, अगला है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके ये सारे सॉल्ट्स और इनके केमिकल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अभी। इन पांच में से कोई एक तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये 100% है। ठीक, अब लास्ट के जो दो हैं इसमें देखो इनके साथ क्या कंबाइन है, वाटर कंबाइंड है। ठीक है, जैसे वॉशिंग सोडा में क्या है .10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है .5H2O। तो जब किसी सॉलिड कंपाउंड के साथ वाटर कंबाइंड हो जाता है इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी यहां पर क्या है, सॉलिड के जो क्रिस्टल्स हैं उसके बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स आके बाउंड हो चुके हैं। ठीक, अब हमें एक एक करके सारे सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, अगर हम एक NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लें और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, यानी एक एनोड ले लें, एक कैथोड ले लें, उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। साथ में कौन सी गैसेस रिलीज होंगे, Cl2 और हाइड्रोजन गैसेस। आपको यहां पर यह भी याद रखना है कि Cl2 गैस और हाइड्रोजन गैस कौन सी कैथोड पर बनती है और कौन सी एनोड पर बनती है। अब बात करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या होता है, घरों में जो हम साबुन और डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं उसे किसकी हेल्प से बनाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से बनाया जाता है। इसका यूज होता है ऑयल रिफाइनिंग में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, जो PVC घरों में इस्तेमाल होती है वहां पर इसका यूज होता है बनाने में, और जो पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं वहां पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। तो सारे पॉइंट्स आपको एज इट इज याद कर लेने। हमारा अगला कंपाउंड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3। इसकी प्रिपरेशन क्या होती है, प्रिपरेशन में आपको सीधा सीधा ये रिएक्शन लिख देनी है, जब हम NaCl को वाटर CO2 और NH4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा कंपाउंड बनता है क्या, NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। साथ में एक और सॉल्ट बनता है NH4Cl। हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो बेसिक होता है नेचर में। ठीक, अब यहाँ पे आपको इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी हम इस बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, तो जब हम इसे हीट करते हैं तो रिलीज होता है क्या, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और साथ में क्या रिलीज होती है, CO2 गैस। और ये CO2 गैस ही रिस्पॉन्सिबल होती है, आपने देखा होगा हम घरों में बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग पाउडर में क्या होता है, ये बेकिंग सोडा होता है। अब ये बेकिंग सोडा जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या रिलीज होगी, CO2 गैस। अब जब ये CO2 गैस रिलीज होती है तो जनरली इसका इस्तेमाल हम केक वगैरह बनाने में करते हैं, तो केक जो होता है हमारा स्पॉन्जी हो जाता है, उसमें छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं। छोटे छोटे होल्स क्यों हो जाते हैं, क्योंकि CO2 गैस निकलती है, वो क्या करती है, वहां पे जगह बनाती है, इसकी वजह से पूरा डो फूल जाता है। अगला है हमारा यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है, एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। एंटासिड की बात अभी हमने पीछे ही की थी, तो एंटासिड्स में ये इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है। यूज इन फायर एक्सटिंग्यूजर। अब देखो भाई, क्योंकि ये CO2 गैस रिलीज कर रहा है और CO2 गैस क्या हमारी हेल्प करती है आग को बुझाने में, तो फायर एक्सटिंग्यूजर में भी इसका यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, हम घरों में जो बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं उसे बनाने में बेकिंग सोडा की हेल्प ली जाती है। बट ध्यान रहे, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीजें हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला यह होता है, बेकिंग पाउडर बनाया जाता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को मिला करके। तो ध्यान रहे, बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड से, दोनों को आप एक नहीं समझोगे। ठीक है, हमारा अगला सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। इसे साथ के साथ याद करते चलो, बहुत आसानी होगी। इसकी प्रिपरेशन क्या होती है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम क्या बोलते हैं, स्लैग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में क्या रिलीज होती है, वाटर। तो प्रिपरेशन में आपको ये याद रखना है, जब हम स्लैग लाइम को यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, Cl2 के साथ, हमारा क्या बन जाएगा, CaOCl2, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में क्या रिलीज होगी, वाटर। यूजेस की बात करें तो इसका यूज क्या होता है, ब्लीचिंग यूज्ड इन कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री। भाई जो कॉटन की इंडस्ट्री होती है, यानी जो कपड़ों वाली इंडस्ट्री होती है बेसिकली, वहां पे जब हमें किसी का कलर लाइट करना होता है या कुछ भी कलर चेंज करना होता है तो बेसिकली हम वहां पे किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल फैक्ट्रीज। अब बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, आपने पीछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में तो पढ़ा होगा, चलो नहीं पता है तो अभी याद कर लेना कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं इन केमिकल फैक्ट्रीज। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। अब भाई क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन होता है और क्लोरीन क्या करता है, एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, तो जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें किल करने के लिए, उसे प्योर करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो आपको तीन यूजेस इसके लिए याद रखने। हमारा अगला सॉल्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये जरूर याद रखना, .10H2O। ठीक, ये हमारा कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। यानी जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, इसमें हम क्या करें, वाटर मिला दें, तो वाटर मिला देने से अब क्या हो जाएगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके क्रिस्टल्स के
बीच में जाके बॉन्ड बना लेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। तो अब जब ये वाटर इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2, यानी हमारा वॉशिंग सोडा बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको इसकी प्रिपरेशन याद रखनी है। बात करें इसके यूजेस की, तो हमारे घरों में जो साबुन इस्तेमाल होता है, जो ग्लास की इंडस्ट्री होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस, हमारे घरों में साफ सफाई के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, जो वाटर की हार्डनेस होती है उसे रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, जो बोरेक्स बनाया जाता है उसमें भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। आपकी बुक में जो आखिरी सॉल्ट दिया गया है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.5H2O। ठीक, अब इसकी प्रिपरेशन की बात करें, इसे प्रिपेयर किया जाता है जिप्सम को हीट करके। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। अच्छे से याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.5H2O। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या था, CaSO4.2H2O। हीट करने पर जहां से वाटर के मॉलिक्यूल्स, डेढ़ वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, अब इस CaSO4 के साथ बचता है सिर्फ हाफ H2O और हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें इसके यूजेस क्या होते हैं। तो इसका यूज किया जाता है खिलौने बनाने में, डेकोरेशन के मटेरियल्स को बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसे प्लास्टर चढ़ा देते हैं। बेसिकली उसमें भी क्या होता है, डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन, जो फ्रैक्चर्ड बोन होती है उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। और घरों में आपने देखा होगा POP तो करवाते हैं सब लोग, क्यों करवाते हैं, ताकि जो हमारी वॉल है वो काफी स्मूथ रहे, काफी चिकनी रहे, तो फॉर मेकिंग वॉल स्मूथ। ठीक, तो बेसिकली हमने किसके बारे में बात कर ली, सारे सॉल्ट्स के बारे में बात कर ली। आपकी बुक में सिर्फ इतने ही सॉल्ट दिए गए हैं, बाकी जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एडिशनल चीजें होंगी वो वहां पर कवर कर देंगे। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, कि एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विद मेटल। अब मेटल क्या होते हैं भाई, आपने हालांकि अगला चैप्टर या मेटल और नॉन मेटल वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल आप कुछ मेटल्स याद रखना, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये कुछ कॉमन मेटल्स होते हैं जिनके साथ रिएक्शन कराई जाती है। ठीक, जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले तो सॉल्ट बनाता है और साथ में यहाँ पर क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। हम बात करें अगर बेस की, तो बेस भी सेम रिएक्शन शो करता है, जब बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर भी सॉल्ट बनता है और साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, हमने लिया HCl को, इसे रिएक्ट कराया किसके साथ, जिंक के साथ, तो बन गया ZnCl2 जो कि हमारा सॉल्ट है और साथ में क्या रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की बेस वाले, तो यहाँ पर हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस होता है, इसे भी रिएक्ट कराया किसके साथ, जिंक के साथ, तो हमारा कंपाउंड बन गया सोडियम जिंकेट और साथ में क्या रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस। अब आपकी बुक में एक चीज और दी गई है कि जो ये हाइड्रोजन गैस निकली है, अगर हमें ये पता करना है क्या सच में भी यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है या नहीं निकल रही, तो हमें कैसे कंफर्म करेंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो भाई देखो हम करते क्या है, बेसिकली रिएक्शन कैसे परफॉर्म की जाएगी, हम ऐसे क्या करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम क्या करते हैं, एसिड और मेटल को डाल देते हैं। हमने अपना एसिड लिया, उसके अंदर क्या डाल दिया, मेटल डाल दिया। अब रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। अब क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है तो यहाँ से बाहर जाएगी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक पाइप के जरिए इस हाइड्रोजन गैस को ट्रांसफर कर देंगे एक बीकर में, और उस बीकर में हमारा होगा साबुन का सॉल्यूशन। अब क्योंकि आपको पता बचपन हमने भी खेला था ना, जो साबुन का सॉल्यूशन होता है उसमें जब हम हवा मारते हैं, फूंक मारते हैं तो बबल्स बनते हैं। ठीक, तो अब क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रही है तो इसकी वजह से अब इसके अंदर बनेंगे छोटे छोटे बबल्स, और इन बबल्स के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगी। अब क्योंकि हाइड्रोजन गैस में आग बहुत तेजी से लगती है, तो जब हम इसके पास कोई जलते हुई कैंडल या लाइटर या माचिस लेके आएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस क्या जलना शुरू हो जाएगी, यानी इसे पॉप पॉप का साउंड है, जैसे हम पटाखे नहीं पढ़ देते हैं कि उसमें पॉप पॉप साउंड आता है, तो ऐसा साउंड आएगा, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हमारी अगली रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ही सेम रिएक्शन शो करते हैं एसिड एंड बेस के साथ, तो हमें इन्हें अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करें हम एसिड के साथ, कि एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं, तो भाई जब हम एसिड में मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सबसे पहले मेटल कार्बोनेट क्या होता है याद रहे, मेटल कार्बोनेट हमारा क्या होता है, जिस मेटल के साथ CO3 लगा होता है, CO3 को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। जब मेटल के साथ CO3 लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनेट। वहीं जब मेटल के साथ HCO3 लग जाए, HCO3 को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब मेटल के साथ HCO3 लगा हो तो उसे क्या बोलेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हम एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है सॉल्ट, सॉल्ट के साथ रिलीज होती है CO2 गैस और साथ में क्या बनता है, वाटर। आपको याद कर रखना है प्रोडक्ट क्या बने हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर।
अब जैसे हमने पिछले रिएक्शन में करा था कि भाई हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, बट हमें कंफर्म करना था कि हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, कैसे पता करेंगे? ऐसे यहाँ पर भी अगर हमें कंफर्म करना है या टेस्ट करना है कि क्या सच में यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? जैसे कि मान लो हमने क्या ले लिया, ये एक कॉन्कल फ्लास्क ले लिया, ठीक है। अब इस कॉन्कल फ्लास्क के अंदर हम क्या ले लेंगे, अपना मेटल कार्बोनेट ले लेंगे और साथ में क्या ले लेंगे, एसिड ले लेंगे। अब जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ साथ क्या रिलीज होगी, CO2 गैस। अब जब ये CO2 गैस रिलीज हो रही है, हम इसे एक पाइप के जरिए एक दूसरे बीकर में कनेक्ट कर देंगे, यानी सारी CO2 गैस कहाँ जाएगी, इस बीकर के अंदर चली जाएगी। अब इस बीकर के अंदर हम क्या रखेंगे, लाइम वाटर। क्या रखेंगे, लाइम वाटर। ये लाइम वाटर रखेंगे, लाइम वाटर बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। और इसकी खास बात क्या है, जब भी ये CO2 इस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जनरली ये लाइम वाटर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल वाटर की तरह। लेकिन जब ये CO2 इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये मिल्की नेचर का हो जाता है, ठीक। तो जब इसका नेचर, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा मिल्की नेचर हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई, यहाँ से निकलने वाली गैस क्या है, CO2 ही है। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इस CO2 गैस को पास करेंगे, पास दिस CO2 इन लाइम वाटर, एंड लाइम वाटर गेट्स मिल्की। और जो हमारा लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। तो देखो रिएक्शन क्या है, ये हमारा लाइम वाटर इसे CO2 से साथ रिएक्ट कराया, क्या बनेगा, CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही जो मिल्की नेचर आया है, इसकी वजह से ही आता है, और साथ में क्या बन गया, वाटर। अब एक चीज़ और याद रखना, अगर हम लगातार इसके अंदर CO2 यानी जो लाइम वाटर, उसमें लगातार CO2 पास कराते रहेंगे, तो उसका जो मिल्की नेचर है कुछ देर बाद गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो ये CaCO3 बना है, ये फर्दर CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, यानी ये CaCO3 और ये वाटर CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे और अगला कंपाउंड क्या बन जाएगा, CaHCO3। और ये नेचर में कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। इसका कलर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, यानी जो मिल्की नेचर आया था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें बेस की, तो बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन। अब हमारे इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। देखो भाई, जो मेटल ऑक्साइड होता है वो सिर्फ रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ। ये आपको याद रखना है। तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट एंड वाटर। वहीं सेम जब नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो हमारा प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट एंड वाटर, दोनों में सेम ही प्रोडक्ट बनेंगे। मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड में हम ज्यादा कंफ्यूज मत होना, अगला ही चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, वहां पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पर अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, हमने एक मेटल ऑक्साइड ले लिया CuO कॉपर ऑक्साइड और इसे रिएक्ट करा दिया एसिड के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना क्या बना, सॉल्ट, और साथ में क्या रिलीज हो गया, वाटर। वहीं अगर हम बेस की बात करें, हमने एक बेस ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसे रिएक्ट कराया एक नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, क्योंकि कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ऑक्सीजन क्या है, हमारा ऑक्साइड है। जब इसे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा बना सॉल्ट और साथ में क्या रिलीज हो गया, वाटर। तो आपको रिएक्शंस के लिए बेसिकली याद क्या रखना है कि इनके प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, आपको ये याद रखना है। जैसे कि जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। वहीं नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम बेस के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट एंड वाटर, दोनों में सेम ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक। अब मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड को आप कैसे पहचानोगे, ये सारी बातें जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आपको अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक।